नमोस्तु गुरुदेव और सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम विशाखा जैन है और सिविल सेवा परीक्षा 2019 में मुझे 101 रैंक प्राप्त हुआ है। मैंने जब 4 असफल प्रयास के बाद आचार्य श्री के दर्शन किए तो सकारात्मक सोच बनाए रखने में मुझे जैन सिद्धांतों ने काफी मदद की। मेरा यंग एस्पिरेंट से ये विनती है कि आप कभी हिम्मत ना हारे हारे ना आत्मविश्वास खोए और हर असफल प्रयास के बाद अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें ताकि हम आगे कभी कभी ना कभी कामयाब हो पाए। गुरुदेव, मुझे आपसे एक प्रश्न था। मैं 101 रैंक पर मेरी ये अपेक्षा है कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज मिलेगा, IPS। ये कहा जाता है कि हिंसा एक अनिवार्य हिस्सा है इस सर्विसेज का। गुरुदेव, मुझे ये जानना था कि मैं किस तरह से जैन सिद्धांत, अहिंसा का जो सिद्धांत है जो हमें सिखाया जाता है, हम उसका कैसे पालन कर सकते हैं पुलिस सर्विसेज में रह के भी। देखिए, बहुत अच्छी बात विशाखा जी ने की है। सबसे पहले तो मैं उनके इस प्रेरणा, इस प्रयास के लिए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि उन्होंने अपने जीवन की ये उपलब्धि 5वें प्रयास में की है और विवाह के उपरांत की है। ये बात बहुत अच्छी है। विवाह उपरांत ये तो निश्चित उनके ससुराल के लोगों का बड़ा सहयोगात्मक रुख रहा होगा और ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छी प्रतिभाओं को, वो कहीं हों, उसे उभरने का अवसर हमें जरूर देना चाहिए। जहाँ तक पुलिस सेवा में हिंसा को उस सर्विस का अनिवार्य हिस्सा मानने की बात आपने की है, देखिए हिंसा करना और हिंसा होना बड़ा अंतर है। पुलिस विभाग में जो हिंसा होती है वो रक्षा के निमित्त की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए की जाती है, जो कि प्रशासन का एक अंग है। ये एक प्रकार से विरोधी हिंसा है और विरोधी हिंसा प्रतिरक्षात्मक कदम उठाने के लिहाज से होता है, इसलिए ये हिंसा गृहस्थ के लिए क्षम्य है। अगर आप देखें तो एक पुलिस की नौकरी या सैनिक की नौकरी छात्र कर्म है। छात्र कर्म का काम है पर की रक्षा करना। पुलिस हमारी रक्षा के लिए अपना काम करती है। पुलिस का काम आतंक फैलाना नहीं बल्कि आतंकियों से समाज को बचाना है। तो अगर आप आतंकियों से समाज को बचाने के क्षेत्र में आगे आते हैं तो ये हिंसा नहीं है बल्कि अहिंसा की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का सत्प्रयास है। इसलिए जैन दर्शन इसके लिए कहीं मना नहीं करता कि आप पुलिस की नौकरी ना करें। हाँ, इतनी सलाह जरूर दूंगा कि पुलिस की नौकरी करना पर वर्तमान में पुलिसिया रवैया की जो छवि है उससे अपने आप को बचा के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लोगों की बददुआएँ मिले, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जनता की सद्भावनाएँ जुटाना, वाहवाही लेना, हाय मत लेना। बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं, इसी कटनी में गौरव तिवारी एक SP हुए जो हमारे रतलाम प्रवास में रतलाम के SP थे, अभी भी शायद वहीं पदस्थ हैं। वो SP होने के बाद इतना अच्छा प्रशासन दिए कि मुझे मालूम पड़ा जब उनका यहाँ से तबादला हुआ तो कटनी में स्ट्राइक हो गई कि एक ऐसे अधिकारी को हम नहीं खोना चाहते। हाँ, विरोध हुआ कि इनका तबादला नहीं होना चाहिए, हम इनको ही रखना चाहते हैं। और बहुत अच्छे अधिकारी है, मेरे संपर्क में वो रहे, मेरे पास अनेक बार आए। तो मैं ऐसे एक ने अनेक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर पुलिस सेवा में जाने का अवसर मिलता है घबराना नहीं, अपने आप को अंदर से बोल्ड बनाओ और ऐसा प्रशासन दो जिसे लोग कभी भूले नहीं। महिलाओं में किरण बेदी, आशा गोपालन जैसी महिलाएं हैं जो पुलिस अधीक्षक के पद में रहते हुए, पुलिस पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। विशाखा, तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता आ सकती है, वो स्थिति आ सकती है, उसे विकसित करो। इसलिए इस बात को लेकर मन में किसी भी प्रकार का संकोच, भय या चिंता हावी मत होने दो। जो कर्तव्य मुझे करना है वो मुझे करना है, मैं करूँगी और सफल होंगी।